Like राजनीति अपने खराब नहीं है तो राजनीति थी भगवान रामचंद्र किस से जुड़े थे वो जो कारोबार था वो अपने आप में राजनीति थी भगवान बुद्ध कहां पैदा हुए थे राज परिवार में पैदा हुए थे महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक सोल्यूशन खोजने के लिए देश को आजादी राजनीतिक क्षेत्र को पदार्पण करके पूरे देश को जगाया था तो राजनीति अपने आप में खराब नहीं है लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी की जो ललक थी आजादी के बाद उस ललक को जिंदा रखने का जो जरूरत थी हमने स्वराज्य प्राप्त किया उसी मिजाज से स्वराज्य प्राप्त करने की दिशा में हमने अगर प्रयास किया होता और देश के युवाओं को स्वराज्य के निर्माण के लिए जैसे आजादी में हिस्सेदार बनाया था देश आजाद होने के बाद भी हिस्सेदार बनाया होता तो शायद ये दूरी न होती और आज स्पेशल कोशिश करके एंट्री लेने का प्रयास करना पड़ता है वो नहीं होता वो सहज रूप से होता दूसरी बात है आज से 30-40 साल पहले हमारा देश का जो नेतृत्व उभर करके आता था वो या तो आजादी के आंदोलन में से पैदा हुआ था या रचनात्मक कार्यो से हो रहा था लेकिन धीरे 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 गिरावट आई वो परिवार में से नेतृत्व पैदा होने लग गए धीरे धीरे गिरावट आई वो जातिवाद में से नेतृत्व पैदा होने लगे जातिवादी जहर में से नेता बड़ा होने लगा धीरे धीरे माफिया भी राजनीति में आने लगे बंदूक की नोक से नेता पैदा होने लगे तो इस प्रकार की बुराइयां आई हैं उन बुराइयों को रोकना है तो अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों ने निष्ठा के पूर्वक आगे आना पड़ा है देश के लिए कुछ झेलना पड़े तो झेल करके भी आना पड़ेगा अपने परिवार की भी आलोचना सहनी पड़े तो आना पड़ेगा हम ये सोचे कि सब कंफर्ट होगा जैसे किसी के बाबा बाप राजनीति में है और जैसे ही सीधा उसको स्ट्रेट वे प्रगति हो जाती है हरे की नहीं होगी भाइयों बहनों मैं अपने आप में बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं मेरे परिवार में राजनीति का र भी कोई नहीं जानता है मेरे पिताजी कभी गांव के अंदर भी क्या पद होता है वो जानते नहीं थे लेकिन मैं हिम्मत के साथ समाज के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ा राजनीति रास्ता बनाती चली और आज मुझे गर्व है कि राजनीति की वो ताकत होती है कि जहां बैठा हुआ व्यक्ति नीति निर्धारण कर सकता है पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकता है और पीढ़ी तक उसका प्रभाव पैदा कर सकता है और इसलिए राजनीति बहुत ही निर्णायक पोजिशन पर होती है मैं नौजवानों को निमंत्रण देता हूं कि आप आइए लेकिन मैं उसके पहले कहना चाहूंगा कुछ बनने के लिए जो लोग राजनीति में आते हैं वो राजनीति को भी बुरा करते हैं खुद के जीवन को भी बर्दाश करते हैं मेरी प्रार्थना होगी नौजवानों को मुझे सलाह देने का अधिकार तो नहीं है लेकिन अनुभव से मैं कहता हूं बनने के सपने देख करके राजनीति में नहीं आना चाहिए कुछ करने के सपने देख करके राजनीति में आना चाहिए मैं भरोसा देता हूं आप कर भी पाएंगे और हो सकता है जनता आपको भी कुछ बना के रहेगी जनता पे छोड़ दीजिए आप कुछ करने के मकसद से आइए कि मुझे ये चेंज लाना है मुझे ये परिवर्तन लाना है मैं मेहनत करूंगा मैं इस इलाके ठीक करूंगा मैं इतने दोस्तों को साथ लेके चलूंगा आप आइए आप हिम्मत रखिए और बहुत ही कम्फर्ट सो सोचते होंगे और मित्रों राजनीति ये मक्कन पर लकीर करने वाला खेल नहीं है राजनीति ये पत्थर पर लकीर करने वाला खेल है और पत्थर पर लकीर करने का शौहर देश के नौजवानों में होता है वो आएंगे मुझे विश्वास है बहुत ही उत्तम काम करके जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी और अजय देवगन साहब कि आपने हमारे सवालों का इतने अच्छे से जवाब दिया और इसके लिए हम आपको से फिर से स्वागत करते हैं